दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप एयरटेल पर रिचार्ज करके और 4% का मुनाफा कमा सकते हैं। आपके पास एयरटेल सिम हो या ना हो, तो ध्यान रखना है, ऐसी सिम को आपको लेना है जिसपे रिचार्ज ऑलरेडी हो और उसमें कम से कम 240 रुपये, 239 रुपये वाले रिचार्ज हो, या 239 का रिचार्ज होगा मतलब कहने का नेट पैक भी हो उसमें, तो वो फिर अच्छी तरीके से उससे एक्टिवेट हो जाएगी सिम। तो आपको सबसे पहले एयरटेल थैंक्स ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपके पास अगर कोई सिम है या नहीं है, तो दूसरे किसी की सिम लेके 2 मिनट के लिए और अपने मोबाइल में डालेंगे एयरटेल थैंक्स ऐप को। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में उस नंबर को जब आप डालेंगे, उससे वेरीफाई कर लेना है बढ़िया अच्छी तरीके से। और वेरीफाई कर लेने के बाद में आपको क्या करना है, फिर उस सिम को चाहे तो निकाल दें, ज़रूरी नहीं होता है कि एयरटेल की सिम पड़ी हुई हो, तो बिना सिम का काम होता है। इसको क्या करना है, इसके अलावा मैं आपको पेटीएम को डाउनलोड करना है। किसी भी नंबर से आप इसको पेटीएम को चालू कर लें, जिस नंबर से आपका बैंक खाता हो। तो पेटीएम आप कैसे करना होता है चालू, वो तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो इसमें यूट्यूब में डाल के देख सकते हैं। तो पेटीएम को नंबर को आप रजिस्टर करके बैंक का नंबर डाल के, जो भी आपका बैंक नंबर हो, इस तरीके से आप पेटीएम को जब चालू कर लेंगे, पेटीएम को चालू कर लेने के बाद में मैं फिर से बता दूं आपको कि एयरटेल का किसी नंबर से आप कर सकते हैं, और जो आपका नंबर है जिससे आप करेंगे, क्योंकि आप ही करेंगे रिचार्ज, तो आपका जो पेटीएम नंबर होगा उसको कर लेना है। उस सिम को निकाल सकते हैं आप। ध्यान रहे कि जो नंबर से, जिस नंबर से आप एयरटेल की सिम, जिस नंबर से आप एयरटेल की जो नंबर डालेंगे इसमें, तो उस नंबर पे आप 4% का मुनाफा आपको नहीं मिलेगा। मतलब मेरा कहने का, जिस नंबर से वेरीफाई किया गया होगा ये एयरटेल थैंक्स ऐप, उस नंबर पे आपको 4% का मुनाफा रिचार्ज में नहीं मिलेगा। दूसरे मोबाइल पर रिचार्ज करने के लिए आपको 4% का मुनाफा दिया जाता है, ठीक है। तो पेटीएम को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि पेटीएम से हम रिचार्ज करेंगे पेटीएम के वॉलेट में, या पेटीएम को बैंक से जोड़ लेंगे तो बैंक से कट जाएगा पैसा आपका। जैसे चाहें आप पैसा का रिचार्ज इससे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे करते हैं। जब दोनों चीज़ आप कर लेंगे, उसके बाद में आपको करना क्या है, एयरटेल थैंक्स ऐप को खोलना है। एयरटेल थैंक्स ऐप को जब खोलेंगे, तो खोलने के बाद में जो नीचे लिखा होगा 4%, इसमें रिचार्ज में आपको टच नहीं करना है। आपको करना है टच इसमें, जो ये आपका 4% दिख रहा है, ये 4% अर्न, इस पर टच करना है। टच करने के बाद में जब इस तरीके से खुल के आ जाएगा, खुल के आ जाने के बाद में इधर नीचे लिखा होगा, जो आप नीचे लिखा दिख रहा है कि रिचार्ज फॉर अदर्स, इस पर टच करना है। टच करने के बाद में हो सकता है आप स्टार्टिंग में करें तो कुछ आपको मांगेगा ले नेक्स्ट करने के लिए, वो सब करने के वेरीफाई करने के बाद में आपको करना क्या है कि आपको इधर पे कोई भी एयरटेल का एक नंबर डाल देना है, ठीक है। जब आपको नंबर डालेंगे, जिस नंबर पर आपको रिचार्ज करना है, ये वही नंबर आ रहा है जिस नंबर से मैंने वेरीफाई किया है, तो इस नंबर को आप इसकी जगह पर दूसरा कोई नंबर कट करके डालेंगे। जैसे मैं एयरटेल का कोई नंबर डाल देता हूँ, ये मैंने नंबर डाल दिया, तो एयरटेल का नंबर डाल लेने के बाद में देखिए इस तरीके से आ गया है। और इसमें नीचे देखेंगे तो आपको मुनाफ़ा कितने होने वाला है, तो आपको मुनाफ़ा होगा, आप यदि 155 से ऊपर का रिचार्ज करेंगे तो 4% का मुनाफा मिलता है, ठीक है। जिसे देखिए इसमें लिख के दिख आ रहा है कि 265 रुपये का रिचार्ज है, इधर 265 लिख के आ रहा है, लेकिन 254 रुपये आपके कटेंगे, है ना। इधर नीचे लिख के आ रहा है 11% डिस्काउंट कूपन विथ दिस पैक, है ना, इस तरीके से ये लिख के आ रहा है। तो आप नीचे देख सकते हैं कौन कौन से पैक या कस्टमर आपसे बोलेगा कि आपको कौन सा रिचार्ज कराना है, तो जो रिचार्ज बोले वो इस पर अगर टच कर इसमें टाइप करेंगे। जैसे मान लो कस्टमर बोलेगा मुझे 299 वाला कराना है, तो 299 जैसे ही आप टच करेंगे, ये देखिए 299 टच करने के बाद में ये देखिए इसमें लिख के आ रहा है कि 299, ये देखिए 299 में 287 रुपये लिख के आ रहा है, 299, ये हल्के से लिख के आ रहा है, ये ऐप अपडेट होता रहता है उस तरीके से उसमें लिख के आता है। नीचे लिख के आ रहा है कि 12% डिस्काउंट, यानी कि आप 299 कस्टमर से लेंगे, रिचार्ज आपका 299 का है, कस्टमर के मैसेज मोबाइल में मैसेज 299 का जाएगा, लेकिन आपको 12 रुपये से बच जाएंगे, ठीक है। कैसे करना है इसको, जैसे ही टच करेंगे, टच करने के बाद देखिए इस तरीके से आ जाएगा ये। आ जाने के बाद देखिए इसमें लिख के आ रहा है कि किस तरीके से आपको करना है रिचार्ज, इसमें पेमेंट करना, तो जैसे नीचे करेंगे तो इसमें लिख के आ रहा होगा, ये देखिए लिख के आ रहा है UPI, ठीक है ना। जैसे ही आप UPI को टच करेंगे इस तरीके से, तो UPI को टच करने के बाद देखिए इसमें पेटीएम लिख के आ रहा है, और जो भी जिससे आप करना चाहें, वॉलेट से करना चाहें वॉलेट में टच करेंगे, तो वॉलेट में पेटीएम को जब टच करेंगे इसको पेटीएम को, तो इसमें जो पेटीएम नंबर आपका, जिस नंबर से आपने पेटीएम बना रहा होगा, उस नंबर को डालेंगे, लिंक कर लेंगे, तो उससे जो है आपका वॉलेट में जितना पैसा होगा वो आ जाएगा। अगर इससे नहीं कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं सीधे बैंक से कटवाना चाहते हैं,
देखिए, अगर पेटीएम के वॉलेट में होगा तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसमें अपना नंबर डालेंगे तो अपना एक ओटीपी आएगा इसी मोबाइल पे, और वो नंबर इसी मोबाइल पे होना चाहिए, है ना। तो उसको ओटीपी आएगा, उसके बाद में वॉलेट आपका इसी में शो होने लग जाएगा, उससे बैलेंस आप कटवा सकते हैं, ठीक है। अगर जो आपका पासवर्ड वगैरह जो आपने डाल रखा होगा उसमें शायद हो सकता है मांगे, लेकिन यदि आप यूपीआई से कराएंगे तो यूपीआई में जब टच करेंगे तो पेटीएम को जैसे ही टच करेंगे, ये देखिए यूपीआई को टच करेंगे, इस पर पेटीएम को टच करेंगे तो आपका हो सकता है, अगर आपने इसमें इंस्टॉल कर रखा है तो आपको सीधे पेटीएम में लेके चला जाएगा। और जैसे ही आप उसको अंगूठा का निशान सेलेक्ट कर रखा होगा तो अंगूठा का निशान ले लेगा, नहीं तो आप जो पासवर्ड जो बना रखा होगा पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालोगे तो आपका जितना पैसा 287 रुपये जो है वो आपका तुरंत उधर से कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है 4% का मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला वीडियो हम जियो पर कैसे 4% का मुनाफा कमा सकते हैं वो वीडियो बताएंगे। तो जियो में हर एक का कोई नंबर ऐसा लिमिट नहीं होता कि जिस नंबर से आपने वेरीफाई कर रखा है उस नंबर पर नहीं कर सकते हो, जियो में सब में मिलता है कैसे करना होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वॉलेट से सीधे नहीं करते हैं, तो हम पूरी जानकारी उसमें बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे अगला वीडियो आपसे छूट ना जाए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगला वीडियो आप नहीं देख पाओगे। थैंक यू।